तो यूट्यूब फैमिली वेलकम टू आवर चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया। हाउ सब अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, जहाँ भी हो सुरक्षित हो गए। तो आज मुझे करना है फंक्शन अटेंड, इसलिए मैंने कर लिया शैम्पू। हाँ सर, में चोट लगा था मुझे पता है, पर फिर भी शैम्पू करना पड़ा है क्योंकि कल का मैंने बहुत ज़्यादा तेल रखा था और जाना है अभी अली अली शॉपिंग के नाम पे इतना कुछ इतना कुछ ये भी चलेंगे हम लोगों के साथ। टाइम हो गया है चलने का तो मैंने कपड़े निकाले हैं, मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन से कपड़े हम लोग पहन के जा रहे हैं। बुगी का मैंने ये पिंक वाला सेट निकाला है, एक मुट्ठी में इनका पूरा कपड़े आ गए तो बुगी का ये वाला सेट है और मैं अपनी ये बर्थडे वाला जो टॉप मैं बर्थडे पहनी थी वो वाला टॉप पहन के जाऊँगी। बहुत कम्फर्टेबल टॉप है ना इसलिए। तो चलिए फिर फटाफट चेंज वेंज करके और फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, मिनिमल मेकअप किया है, लिपस्टिक एंड मस्कारा, लाइट फाउंडेशन एंड एकदम लाइट हाइलाइटर। कैसी लग रही हूँ? तो अब चलिए ओम नवी को तैयार करते हैं। अभी बाल नहीं किया मैंने, बाल भीग गए हैं ना इसलिए। उप्स देखो बैंगल भी चेंज करना है। मैं वो पैंट शर्ट का सेट पहनाने वाली थी पर फिर मैंने फ्रॉक पहनाया, थोड़ा वो रफ टाइप का लग रहा था इसलिए मैंने सोचा नहीं नहीं वाला फ्रॉक पहना के लिए चलती हूँ। गुगो मैं सोची थी ये वाला सेट इनको पहनाने के लिए ना, पर कुछ जमा नहीं है, पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा हो गया है और तो मैंने ही पहनाया है बुग को फ्रॉक। हगीस तो इनके फ्रॉक से बड़ा है। उनके बैक कवर से दिखा बुग्गी की फ्रॉक और यहाँ बुग्गी का काला टीका नजर वाला गुगु 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 गुगु। फ्रॉक्स पहने तो सोच रही हूँ ये पेयर पहनाऊँ क्योंकि इसमें भी नियॉन है, इनके फ्रॉक में भी, या ये व्हाइट नियॉन पहनाऊँ या ये ब्लू नियॉन पहनाऊँ। सोच रही हूँ कि कौन सा इनके ड्रेस के साथ अच्छा है। बुग्गी ये देखिए मैं कैसे देख रही हूँ, देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, ये या ये ये। ठीक है चलो यही पहना देते हैं, व्हाइट वाला। ठीक है कि ये कलरफुल पहना है, कौन से पहना है मुझे समझ ही नहीं आता है, चलिए यही पहना देते हैं। ठीक है बुग्गू, अच्छा डार्क कलर पहना है, हाथ पकड़िए। ठीक है डार्क कलर बना देते हैं बुग्गू को, अपने छुग्गू को, अपने डुग्गू को, अपने ओ यह ओम नवी रेडी हो चुकी है, गुगू रेडी हो चुका है मेरा गुगू ने ना फ्रॉक पहन के। जाने से पहले शाम हो रहा है ना तो मैं अपने भगवान जी को दिया भी जला देती हूँ और बाहर का लाइट्स तो ऑन है। ये कौन इस तरीके से सारा सामान जो मोटर चलाने आते हैं लोग पूरा गेट वोट खोल के चले जाते हैं। तो चलिए अब दिया जला देते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ जल चुका है मेरे भगवान जी लोगों को दिया, गन्नू जी, कान्हा जी, पीछे ओम नवी का आवाज़ आ रहा होगा अब दिया थोड़ा बाहर भी दिखा देते हैं तुलसी माता को। उनको मैंने चुनरी से वो किया है, ये देखिए ऊपर बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे खूबसूरत खूबसूरत माता जी के पत्ते निकले हैं, देखे आप लोगों ने। पूजा करने के बाद मैं ओम नवी के पास, ओम नवी के हाथों में मैंने ये ब्लैक कलर का थ्रेड पहना दिया और यहाँ ओम नवी थोड़ी सी दुखी हो गई थी। एक्चुअली आए थे हमारे घर में कोई गेस्ट और उन्हें बस ऐसे मजाक में वो चिढ़ा दी ओम नवी को कि तुम्हारे पापा बड़े गंदे हैं, तो इस बात पर वो लेके थोड़े दुखी हो गई, लगी रोने तो मैंने कहा कि बताओ कैसी है ओम नवी इतनी छोटी सी है पर ये सारी बातें लगता सब समझती है बस फिर क्या था, लेट हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके फंक्शन में और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि एनडी के जो एक फैमिली की तरह एक फ्रेंड है वो उन्हीं के साथ हम लोग गए थे फंक्शन में, क्योंकि फिर किसके साथ जाते हैं, एनडी तो आउट ऑफ सिटी गए हैं ना दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ही है पहले, तो बस अकेले हम लोग चल पड़े हैं। और मुझे सबसे अच्छा अरुणाचल का नाइट लगता है, इतना खूबसूरत दिखता है ये लाइटनिंग्स ना कि क्या बताऊँ। अब फटाफट हमें निकलना है मी एंड मॉम्स कपड़े लेने, खड़ा करना पड़ा है हम लोग को
ओ माय गॉड, फिर से फ्लैशलाइट, रास्ते में फ्लैशलाइट इतनी बेइज्जती करवा देता है मेरा फ्लैशलाइट। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो उधर ही गाड़ी खड़ा कर दिया है। और अब बस अब मी एंड मॉम्स में हम लोग पहुँच रहे हैं दोस्तों, आगे से तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग भी चोर तक पहुँच गए हैं, और जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि जिनके घर जाना है वहाँ भी हम लोग को लेट हो गया है। तो यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं मी एंड मॉम्स में, जो जिस बच्चे का फंक्शन हो उस बच्चे के लिए कुछ लेने के लिए, देखिए क्या लेते हैं। आती यहाँ पर मन करता है कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें, सारी चीज़ें खरीद लूँ। बहुत प्रिटी कलर है। गले ये सब क्या है? ये भी सेम है, कलर है, ये आपका मीडियम है, ये। शॉपिंग ओपिंग कर चुकी हूँ, बाकी सामान सारा मैं आपको डस्टर में बैठ के दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान मैंने लिया उस बच्चे के लिए। और फटाफट यहाँ से निकलूंगी क्योंकि ओम नवी को मैं वहीं पे उनके पास ही छोड़ के आई हूँ, तो वो बाहर ही लेके ऐसे रोड पे टहल रहे हैं उसको, क्योंकि रोड के इस पार आना था ना और मुझे लेट हो रहा था, तो जल्दी 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 भागते हुए आई हूँ। तो चलिए सारी शॉपिंग ओके है, अब हम लोग चलते हैं फटाफट डस्टर की तरफ दोस्तों। थक गई हूँ, यहाँ का जो रोड है इतना चढ़ाई ऊपर है, तो क्या बताऊँ, देखिए इतना ऊँचा चढ़ाई है यहाँ पे। जब मैं डस्टर तक पहुंची तो मैंने देखा ओम नवी को वो सुला चुके हैं, तो बस हम लोग निकल चुके हैं वापस से जिस अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे फंक्शन है दोस्तों। मैं आप लोग को फिर फ्लैशलाइट जेट की फ्लैशलाइट इतनी मेरी मतलब, तो चलिए फटाफट दिखा देते हैं कि क्या क्या सामान लिए हैं बेबी के लिए। और यहाँ मेरा बेबी छोला है, और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि हम लोग उस बेबी के लिए क्या क्या सामान लिए हैं स्टोर से। ये है एक पिल्लो मैंने बेबी के लिए जो लिया है, उसके बाद लिया है मैंने दो फ्रॉक का सेट, क्यूट क्यूट छा फ्रॉक का छेट। और उसके बाद लिया है मैंने एक ये कैप सेट, उसमें सॉक्स और हैंड ग्लव्स है पूरा। एक लिया है मैंने मैट, और एक पुछ पुछ बच्चों का जो पाउडर वाला नहीं आता, पाउडर लगाना वाला पुछ पुछ, वो लिए हैं एक। आप लोग ने देखा ना सारा जो मैंने सामान दिखाया था, अभी लाइट ऑन कर रही हूँ तो लाइट ही नहीं ऑन हो रहा है, क्या मेरे साथ दिक्कत है। तो फ्लैश लाइट चाहती ऑन करने को नहीं होता है। पर यहाँ बुग्गू हैं, बुग्गू जो खेल रही हैं उड़ गई हैं, और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं यहाँ पे इनके फ्रेंड के इधर। बाल मेरा अभी तक नहीं सूखा है, ऑयली कर रहे हैं, पूरा शैम्पू ऐसा लग रहा है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ उतर चुके हैं और चल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन होम की तरफ, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, चलिए आप लोग मेरे साथ। यहाँ का ना नॉर्मल रोड्स पे ना थोड़ा ऐसा स्लोपी, थोड़ा हाई, थोड़ा स्लोपी, थोड़ा हाई जैसा होता है, तो मैं तो थक जाती, मैंने कहा मैं नहीं उठाने वाली भैया। और आप लोग सोचो अरे मैं तो अभी किसी घर गई थी, मैं वापस जा रही हूँ दोस्तों अब अपने घर। अब आप लोग पूछेंगे क्यों फंक्शन का क्यों नहीं आप दिखाई, चलिए घर चल के दिखाते हैं क्यों नहीं दिखाए, आप लोगों को पता चलेगा। अभी तब इतना मेकअप थोप के गए और अटेंड नहीं कर पाए, देखिए घर आ गए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे हम लोग वहाँ का व्लॉग तो बनाए नहीं, बर्थडे का मतलब बेबी जहाँ गए थे, इतना रोने लगी ये, इतना कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब रो ही जा रही थी, कंटिन्यूसली रो ही जा रही थी। हम बोले क्या हुआ है बुग्गू, क्या हुआ, बोल ही नहीं रही थी। अब क्या बोलना वैसे भी अपने लैंग्वेज में, इतना रो रही थी दोस्तों, इतना आज तक हम कभी इनको रोते हुए देखे नहीं है। तो फिर बाद में सब लोग बोले हो सकते क्राउड, इनको आदत है नहीं, सिर्फ मम्मा पापा के बीच में रहती हैं, या तो लोगों को देख के, और या तो गर्मी बहुत थी, तो ये गर्मी की वजह से भी रो सकती हैं और लोगों की वजह से भी। हम टेंशन हो गए मेरे को, तो एंडी को फोन किया, इतना रो रही है, इतना रो रही है, कह रहे हैं हाँ जल्दी से निकल जाओ। अब वो जब तक तो उनको भी तो टेंशन हो रहा था ना, यार निकल जाओ बेचारी रो रही है इतना, हम कह क्या करें अब जाए। और जो कि फीड वीड सब करवा चुके थे वहाँ पे, फिर भी चलो बुगू अब तो मम्मा है। ठीक है दोस्तों, इसी का तो अपना ब्लॉग बंद करती हूँ, तब तक छोटी ये देखिए इनका खेलना यहाँ शुरू हो गया। इतना चीख चीख के रोए, घर आते खेलना शुरू, हाँ घर आते खेलना शुरू, हाँ इतना रोए हो आप, आगो अरे अरे गु गु हगीज निकाल दे मम्मा आपका, खेल लो थोड़ी देर। इतना खेलने लगे वहां क्यों है, चलो लेते बीदा गुगु। अब गाड़ी में चेंज करने और सोने और मेकअप रिमूव करूँगी, मेकअप तो बहुत ज़्यादा है नहीं, बट हाँ जो भी है हल्का सा मस्करा और हाइलाइटर। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, और ये मेरा गुब्बू। क्यों इतना रो रहे थे वहाँ पे,
इतना क्यों लो लेते, क्यों लो लेते इतना? गुब्बू ये देखिए, ये मिडिल क्लास के घर, घर का लाइट चला गया, फ्लैश लाइट ऑन हो गया अपना, मिडिल क्लास का रिमोट का मैंने पीछे वाला टूट करके पता नहीं क्या था तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा मतलब टूट गया है तो उसमें मैंने रबड़ लगा दिया, है ना बुग्गू? बुग्गू मेरा जॉन, मेरा प्राण, मेरा बी एफ, मेरा जी एफ, सब कुछ हो आप मम्मा के, सब कुछ हो। आले मेरा बुग्गा, अले मेरा बुग्गा, बुग्गा जो हाथ में ब्लैक ब्लैक वाला धागा भी पहन के गई थी। मैं रील्स बनाने का सोची हूँ, लाइट चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं बंद करती हूँ, और अब मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, शुभ रात्रि छोटी दुनिया। अरे मेरा जान कितना खेल रहा है, आ